अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको KFC से 10 गुना बेहतर घर में ही फ्रेंच फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखने के बाद आप कभी भी KFC या मैकडोनल्ड से फ्रेंच फ्राइज़ नहीं मंगवाएंगे, घर में ही बना के रेडी करेंगे। हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। इस रेसिपी में मैं आपको 6 महीने तक फ्रेंच फ्राइज़ को स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगी, इसलिए रेसिपी को पूरा देखिएगा बिना स्किप किया। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए जी, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने 4 से 5 अदद बड़े बड़े आलू ले लिए हैं। आलू हमने बड़े वाले लेने हैं, छोटे वाले नहीं लेंगे। आलुओं के हम ऊपर से छिलके उतार लेंगे। छिलके उतार कर हम इस तरह आलुओं को हम इस तरह बाउल में पानी के अंदर रखेंगे। पानी के बगैर हम आलुओं को नहीं रखें, नहीं तो हमारे आलू काले पड़ जाएंगे। सारे आलुओं को हम इसी तरह छील लेंगे। ये देखिए जी, आलू सारे मैंने छील लिए। ये कितना गंदा पानी, इसको हम चेंज कर लेते हैं, अच्छी तरह वॉश करते हैं। अब मैं इसको कट कर लूँगी ब्रीक, जैसे फिंगर शेप में करते हैं वैसे ही हम इसको कट कर लेंगे। ना ज़्यादा मोटे हम कट करेंगे और ना ही ज़्यादा पतले, बस इसी शेप के हमें चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की कोई चिप्स बनाने वाली मशीन है तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, जो हर कोई ईजिली अपने घर में बना सके। उस तरीके से छुरी के साथ फटाफट इस तरह कट कर लें, और कट करके हमने पानी के अंदर ही रखना है, बाहर हम टोकरी वगैरह में नहीं रखेंगे। ये देखें, सारे आलुओं को मैंने कट कर लिया। अब इसका हम पानी वॉश करते हैं, इसको किसी टोकरी में डालकर इसको अच्छी तरह हुश कर लेंगे पहले। अब किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे। याद रखिएगा कि जो ये आलू हैं आप अच्छी तरह इसको हुश करेंगे। इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून, इससे बहुत ही क्रिस्पी सा टेक्चर आएगा हमारी फ्रेंच फ्राइज़ में। जो बड़े बड़े होटलों से आप लेके खाते हैं वो भी इसी तरह बनाते हैं, और आप इस तरह इस तरीके से घर में बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से साफ़ सुथरे माहौल में अपने बच्चों को बना के खिलाएं, उनको बेहद पसंद आएगा। ये देखें, अच्छी तरह कोट हो गया है। अब मैंने फ्राई करने के लिए ये ऑयल को गर्म कर लिया है फ्राई पैन में। ऑयल को पहले अच्छा खासा हम गर्म करेंगे, फिर हम इसके अंदर अपनी आलू की जो चिप्स है वो डाल देंगे। स्टार्टिंग पे हमने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट बस इसको पकाना है, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। पहले 30 सेकंड हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे, फिर हम एक दफ़ा चम्मच हिलाएंगे। इसी के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, हमें बहुत ही खुशी होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगी रही हैं। बस चिप्स को मैंने पका लिया है, 1 से 2 मिनट इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा हम अभी नहीं पकाएंगे। बाकी का नेक्स्ट स्टेप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। सारे चिप्स हम निकाल लेंगे। दूसरी भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं।
अब ये देखें ट्रे में डालकर इसको हम पहले ठंडा करेंगे। जब हमारी अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी, ये देखें चिप्स हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं इस तरह का प्लास्टिक का कोई बैग ले लेंगे, आप कोई एयर टाइट कंटेनर ले लें या जो जिप लॉक वाला बैग मिलता है वो ले लें। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ ताकि हर कोई इजीली बना के इसको फ्रीज कर सके, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग तो हर किसी के घर में होते हैं। तो इसमें डालकर ऊपर से इसकी गिरा लगाकर इसको हम 6 महीने के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। अब ये देखें जी, मैं आपको थोड़ी बना के दिखाती हूँ। जैसे ही हम निकालेंगे, निकाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है तो जब दोबारा हम इसको फ्राई करते हैं तो इतनी ये क्रिस्पी और इतनी टेस्टी बनकर रेडी होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी परफेक्ट और कितनी क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। आप बड़े बड़े होटलों में इतने पैसे ज़ाया करते हैं, तो घर में इस तरह के साफ़ सुथरे माहौल में अपने बच्चों की इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना के खिलाया करें। और इसी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊं। अब दोबारा से भी हमने इसको ज़्यादा गर्म किए हुए ऑयल में डालेंगे, ठंडे ऑयल में हम नहीं डालेंगे। दोबारा से फिर हम इसको 2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर तक इसको फ्राई कर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले पकी हुई है। बस हमने इसको थोड़ा सा कलर ही देना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया और कितनी क्रिस्पी ये बन के रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। अब गरम गरम को ही हम किसी बड़े ट्रे के अंदर या फिर परात ले लें, कोई बाउल ले लें, उसके अंदर डालेंगे। इसके ऊपर 1/2 टीस्पून जितना मैं चाट मसाला डालूंगी। इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। और 1/2 टीस्पून जितना ही इसके अंदर नमक डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसकी आवाज़ सुनी, इतनी ये क्रिस्पी बन के रेडी हुई है, देखिए माशाल्लाह। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।